नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का ऐतिहासिक दिन आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। दोस्तों, आज का ये जो एनालिसिस है, ये आपको आपके ज्ञान को कई लेवल्स आगे लेके चला जाएगा अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको ध्यान से समझकर चलोगे। देखो दोस्तों, हम लोग एक साइट डिसाइड करते हैं, एक प्राइस डिसाइड करते हैं और उन लेवल्स को कंटिन्यूअसली वॉच करते हैं। मतलब हमारी कोशिश ये नहीं होती कि हम आज मार्केट को देख के कल का अंदाज लगाएं, कल को देखकर परसों का अंदाज लगाएं। हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे दिमाग में कि हमने पिछले दिन हमने क्या सीखा था, हमने पिछले दिन क्या करा था, पिछले दिन की जो पोजिशन थी, जिन लोगों ने पिछले बीते हुए दिन में पोजिशन बनाई थी, वो लोग आज क्या कर सकते हैं, उनकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और आज जो मार्केट के अंदर पोजिशन बनी है उनकी कल क्या पोजिशन बन सकती है। मतलब एक लेवल से मार्केट अगर चलना शुरू होता है तो ऐसी कौन सी जगह है जहां से लोगों ने लॉन्ग करना शुरू करा, किस जगह पर प्रॉफिट बुकिंग आई। तो अगर आप लोगों को याद हो तो दोस्तों, हम लोगों ने 17,819 से मार्केट को पकड़ा, और जिन लोगों ने 17,819 से हमारे एनालिसिस को ज्वाइन किया था, तो 17,819 से हम लोग धीरे 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 50-50 पॉइंट करके हम लोग आगे मूव करते चले गए, मार्केट में बनने वाले लेवल्स को पकड़ते चले गए। और आज से 9 दिन पहले मार्केट इज हेडिंग टूवर्ड्स 18,320। ये मैंने आप लोगों के साथ एक डिस्कशन किया था, वो सारे रेशंस मैंने आपको बताए थे कि जिनकी वजह से मार्केट आपका 18,320 की तरफ मूव कर सकता है। देखो दोस्तों, ये सारे पुराने नाचते हैं, हर दिन हम लोग आपको कनेक्ट करके चले और मार्केट में एक-एक चीज आपको बताते गए कि 18,000 पे 20 बनना शुरू हुआ, कैसे धीरे धीरे मार्केट ने ऊपर की तरफ चलना शुरू करा, बैंक निफ्टी ने 43,357 के लेवल से अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो दोस्तों, एक-एक चीज आप समझते चले गए। और दोस्तों, पिछले काफी दिनों से हम लोग कॉन्टिन्यूसली 18,320 के बारे में बात करके चल रहे थे, और दोस्तों 18,320 के मैजिकल लेवल के बारे में कल हमने 12 घंटे पहले भी बात की थी। दोस्तों, इस समय आज अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट आपसे हमेशा नंबर्स में बात करता है। दोस्तों, ये रहा 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपकी 18,320। तो दोस्तों, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 18,320 का लेवल, अब आप मुझे बताओ कि इतनी एग्जैक्ट तरीके से मार्केट को अगर आप वॉच करोगे तो मार्केट आपसे बातें करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, ये 18,320 के लेवल को हमने और आपने साथ मिलकर डिस्कवर किया, इसके लॉजिक को, इसके रीजंस को हम लोगों ने समझा। अब हम लोग 18,320 पर पहुंच चुके हैं। अब 18,320 एक एग्जैक्टली ऐसा लेवल था जिसमें मार्केट पार्टिसिपेंट, अब देखो किसी को तो लगेगा कि इस जगह पर सेलिंग आई, मैं आपको ना सारी बातें समझा दूं, पर मेरे को ऐसा लगता था कि 18,320 के पास पीछे ना पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो इसे मैं सेलिंग नहीं बोल सकता। सेलिंग का मतलब ये कि मार्केट में बीयर्स हावी हो गए, मतलब सेलर किसी भी रेट पर, किसी भी भाव पर अपने माल को बेचने को तैयार है, वो मेरे लिए सेलिंग है। और जहां मार्केट पार्टिसिपेंट केवल एक पर्टिकुलर लेवल के पास जाकर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के लिए हेल्दी होती है, उससे मार्केट के अंदर हैंड चेंज होते हैं और इस डिप के अंदर कॉन्टिन्यूस हम लोगों ने बाइंग को ऑब्जर्व करा। तो मार्केट को अगर आप देख के चलोगे तो नीचे की तरफ मार्केट का जो बेस बनता है वो 18,250 बनता है, और हम लोगों ने 18,200 से 18,320 की रेंज को ऑब्जर्व किया था। और मार्केट को अब अगर आप देखोगे तो मार्केट अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गया है, जिसमें मार्केट का अब जो, और इसी के अगर मैं ऑप्शन चेन को देखकर ही बता पा रहा हूं आपको कि मार्केट का अब जो बेस निकल कर आता है वो 18,250 के पास का बनता है। तो 18,250 इस समय मार्केट का एक इंपॉर्टेंट बेस बन गया है। एक मिनट, एक सेकेंड, ठीक है। तो 18,320 इस 18,250 इस समय मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, जहां से मार्केट ने 18,320 की जर्नी तक पहुंचा। अब 18,250 से 18,320, मेरे को ऐसा लगता है, मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि यार मार्केट के अंदर ये एक डिस्ट्रीब्यूशन की जोन बननी चाहिए, मतलब जहां पर मार्केट पार्टिसिपेंट बहुत तेजी से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और इसके आसपास यहाँ पर मतलब एक अगर बाइंग अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो 18,250 का जो लेवल है, मतलब ये आने वाले वक्त में, मतलब इस वीक के अंदर एक इंपॉर्टेंट निर्णायक लेवल का काम करेगा। अब 18,320 के पास के ऊपर से जिन लोगों ने मार्केट के अंदर शॉर्ट की पोजीशंस को क्रिएट किया, वो लोग भी इसी लेवल के पास जाकर मार्केट में ना प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं, मतलब मार्केट के अंदर इस समय जो ट्रेड्स निकल कर आ रहे हैं वो छोटे छोटे प्रॉफिट बुकिंग के निकल कर आ रहे हैं। अभी इसी चीज को जब मैं डेटा के साथ जाकर कनेक्ट करता हूं और मैं डेटा को देख पाता हूं, तो आज देखिए ना,
200 करोड़ के अप्रोक्स की सेलिंग डीआईएस के द्वारा, मतलब छोटी प्रॉफिट बुकिंग। और यहीं पर अगर आप देखेंगे एफआईज ने 837 करोड़ के अप्रोक्स की बाइंग करी, मतलब आज की अगर आप उनकी बाइंग को देखेंगे तो पीछे की गई एग्रेसिव बाइंग से के अपेक्षा ये थोड़ी सी कम है। मतलब इस जगह पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा लेवल है जहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की गई है या जिस जगह पर बाइंग को कम करा गया है। और यही चीज हम लोग यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की गई है और बाइंग को थोड़ा सा कम किया गया है। मतलब मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट अभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने मार्केट के अंदर इस जगह पे प्रॉफिट को बुक करना है वो लोग पहले मार्केट से बाहर निकल जाएं, जैसे कि इसके बाद में मार्केट अगर एक रैली करता है तो ये लोग उसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम ना करें। मार्केट अपने अगर आप में इसको ना एक मंथ के कैंडल पर लगा दो, जैसे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा, मैं सेम चीज को ना एक मंथ के कैंडल पर आपके सामने लगाता हूँ, ठीक है, तब आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल पाएगी। देखिए ये हमारे पास मंथ की कैंडल हम लोगों ने लगा दी, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब हम लोग अगर मंथ की कैंडल को देखेंगे तो देखिए मैंने कितने सारे लेवल्स मैंने मार्क कर रखे हैं। अगर आप मंथ की कैंडल्स को अगर आप देखेंगे ना तो मैंने काफी सारे लेवल्स हैं जो इसके अंदर मैंने मार्क कर रखे हैं, मतलब इनको पूरा का पूरा जो स्टडी करा हुआ है। तो बहरहाल अभी इस समय पर हम कहाँ पर हैं, तो यहाँ पर हम लोग 18,320 के पास में। ये 18,320 कौन सा लेवल है, तो अगर आप देखेंगे पीछे ये वो लेवल है जिसके पास में मार्केट के अंदर पहले भी बहुत सेलिंग आ चुकी है। मैं इसकी ना सारी ड्रॉइंग्स क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए तो अब हम लोग कहां पर हैं, हम लोग 18,320 पर हैं। ये कौन सा लेवल है, आप देखेंगे इस जगह पर पहले भी मार्केट के अंदर बहुत तगड़ी तगड़ी सेलिंग आ चुकी है। मतलब मार्केट इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह है कि मार्केट के अंदर मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स हमारे लिए कैसे बनाते हैं, बियरिश व्यू बनाकर चलते हैं कि यार मार्केट में सेलिंग करने का आखिरी टाइम रह गया है, मार्केट में इसी समय पर सेल करो और सारा सामान बेच के निकल जाओ। वो भी यही चाहते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि यार मार्केट के अंदर जिस जिसने अपनी पोजीशन से एग्जिट होना है वो लोग ना अभी एग्जिट हो जाए। मतलब वो जो इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये कि जिस जिसने अपनी पोजीशन से एग्जिट होना है तो वो जिसका जो प्रॉफिट है बुक कर ले। अब क्या होता है कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ रैली करना स्टार्ट करेगा, तो जिस समय मार्केट ऊपर की तरफ रैली करना स्टार्ट करेगा तो मेरे भाई अगर पीछे से किसी ने जिसने प्रॉफिट बुक करना था वो प्रॉफिट बुक कर चुका है तो किसी और के पास बुक करने के लिए कोई जगह नहीं रह गई। आप मेरी बात समझ रहे हो, मतलब अगर मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट जैसे कि हम लोग पीछे लेवल से धीरे धीरे लेकर आए थे, तो हम लोगों ने कौन से लेवल को पकड़ा था कि इसके पास जाकर प्रॉफिट बुक करेंगे, 18,320 का लेवल। तो 18,320 के पास मार्केट पार्टिसिपेंट ने ये ऑब्जर्व करा कि जिस जिसके यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है वो प्रॉफिट बुक कर करके वहां से बाहर निकल गए। अब उनके इस प्रॉफिट से को बुक करके बाहर निकलने से क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो सचमुच के बायर्स बने रह जाएंगे, जो सचमुच अपनी पोजीशंस लेके चलेंगे वो मार्केट के अंदर बने रहेंगे। तो इस जगह पर ये कैसा लेवल बनता है जहां पर हमें सबसे पहले एक कंसोलिडेशन मिलना चाहिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है। मतलब ये कि पीछे से जो लोग बाय करते आ रहे हैं उनको अपना प्रॉफिट बुक करा हुआ हो, अगर उनका उन्होंने अगर प्रॉफिट बुक कर लिया हो और उस कंडीशन में मार्केट ने ये कंसोलिडेशन देखा, क्योंकि यार एक दिन में सारा प्रॉफिट बुक नहीं किया सकता। लॉजिक समझो कि जिस बंदे ने इस जगह पर कहीं पोजीशन को लॉन्ग किया होगा ना और इतने बड़े, अब देखो ना इसने जब लॉन्ग किया होगा तो इसने एक बड़ी क्वांटिटी को किसी भी मार्केट प्राइस पर जब लॉन्ग किया होगा तभी इस पूरे एक महीने लगातार बाइंग चली। अब उस जगह पर आप देखिएगा कि छोटी छोटी आपके पास में सेलिंग, और इस जगह पर फिर से अगर किसी ने अपनी पोजीशन को लॉन्ग किया 17,371 से, तो वो इसी जगह पर आपके पास में कितनी बड़ी क्वांटिटी को खाली अगर करेगा तो कितनी बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर आएगी। और मार्केट पार्टिसिपेंट मार्केट के अंदर क्या पैनिक सेलिंग क्रिएट करना चाहते हैं, और क्या सचमुच में पैनिक सेलिंग क्रिएट करने से फायदा होगा, क्योंकि इनकी तो सचमुच की लॉन्ग पोजीशन बनी पड़ी है। तब ऐसी कंडीशन में इंपॉर्टेंट बनता है कि मार्केट ना कुछ समय कंसोलिडेट करे। तो अगर मार्केट कुछ समय कंसोलिडेट करेगा तो मार्केट में आने वाले दिन के अंदर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि हमें एक रैली फर्दर देखने को मिल सकती है, और हो सकता है हम एक अपने ऑल टाइम हाई के पास की तरफ मूव करने की कोशिश करें। अब ये ऑल टाइम हाई के हमारे पास में कितना है, तो यहां पर अगर आप जाकर देखें तो 18,887, मतलब टूवर्ड्स 19,000। मतलब कहने का ये कि टूवर्ड्स 19,000 मार्केट मूव करने के लिए पहले मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये चाहते हैं, जो मुझे इसको देखकर लग रहा है डेटा को, कि जिस जिसने अपने प्रॉफिट को बुक करना है वो बाहर निकल जाए और एक वो फर्दर रैली को अपने खींच कर लेकर जा पाए। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट को देखकर। अच्छा आज के लिए अगर मैं आपको बताता हूँ यार, इतना परफेक्ट एनालिसिस 18,320 का करने के बाद भी मार्केट के अंदर, आप लॉजिक को समझ के चलिएगा, 18,320 के लेवल को निकालने के बाद यार मेरा व्यू मार्केट के लिए बुलिश था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि आज मार्केट गई 18,380 तक जाएगा। मतलब तो मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी वो ये थी कि आज मार्केट 18,380 तक जाएगा। मार्केट हुआ भी कुछ इस तरीके का, काफी ऊपर खुला, नीचे पे आया, नीचे प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर मार्केट कंसोलिडेट भी करता चला गया और 18,320 पर जब ये जाकर रुका,
और कंटिन्यूअसली 18,320 के लेवल को इसने फॉलो अप किया, तो मेरे दिमाग के अंदर बात जाकर बैठी कि यार आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो ना मार्केट को, आप मार्केट के साथ सिंक हो चुके हो, आपकी नब्ज आपकी आत्मा मिल चुकी है मार्केट के साथ में, तब जाकर आप मार्केट की एक एक मूवमेंट को कैच कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। देखो दोस्तों, इसमें मेरा आपको किसी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं डेटा को जिस तरीके से देख के चल रहा हूँ उसके बिहार पर जो जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो मैं सब आपके साथ में डिस्कस करके चल रहा हूँ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और सेबी का रजिस्ट्रेशन एक भी जगह पर इस बात की गारंटी नहीं देता कि हमारी कोई परफॉर्मेंस अच्छी निकलेगी, क्योंकि परफॉर्मेंस जो होती है ये डिपेंड करती है मार्केट कंडीशंस पे, और मार्केट के अंदर मार्केट रिस्क हमेशा बना रहता है। और दोस्तों मैं जाऊंगा, जाने से पहले आप लोग इस डिस्क्लेमर को भी पढ़ के जाएं, और अगर आप लोग कोई मेरी रिसर्च रिलेटेड सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।